माइनस वन प्लस वन हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 64 को जब 10 या माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.064 ये आंसर आ जाएगा। अब 64 की पावर क्या है? 1/6। यार क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका, देखें 64 क्या किसी नंबर की पावर 6 हो सकता है? पहले ये सोचें। बिल्कुल हो सकता है, 2 के पावर 6 होता है, 1/6 ये कैंसिल हो गया, यहाँ 4 है, 2 4 8। देखिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी ज्योमेट्री कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। 6 का स्क्वायर इंटू 36, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं तो ऐसे लगा दो जनाब 0.6 का स्क्वायर। अभी तो मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद एक नंबर हो तो 10 के माइनस 2 लेता, लेकिन चूंकि उसमें स्क्वायर है इसलिए मैं इसको 6 का स्क्वायर इंटू 10 के माइनस 2 ले लूंगा। 0.36 डेसिमल के बाद दो नंबर है तो 36 इंटू 10 के माइनस 2 ले लूंगा। 36 मारा, 6 स्क्वायर मारा, 10 केयर माइनस 2 इंटू माइनस 2 अगर देखा जाए तो वैसे सेम एडअप होती, 10 केयर माइनस 4 होता अपॉन में, जो ऊपर जाके हो जाता 10 की पावर प्लस 4, यानी बोले तो 10,000। कैलकुलेशन जिस तरह की मेरी स्टेपिंग होती है उस स्टेपिंग को फॉलो करें तो दुनिया की कोई मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। बड़े मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन इंशाल्लाह हम आपको सिखाते रहेंगे इसी तरह। थैंक्स अ लॉट।